जय श्री राम मोहन जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही आ रही है। मेरा लैपटॉप रिकॉर्डिंग। तो एक काम करते हैं, एक बार उनका उदाहरण देना है क्या? पिछले सप्ताह। हाँ, उदाहरण कर लीजिए एक एक। हाँ, तो क्या है उसमें? आप वो स्क्रीन नहीं, पे मैं दिखा इसमें से सकते हैं? प्रश्न पूछता हूँ और हाँ आप लोगों से, और देखते हैं कि आपको इसमें से ढूंढ के उसका उत्तर देना है। एक बार वो स्क्रीन दिखा दीजिए, नहीं तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप पूछिए। हाँ, एक मिनट। नवीन महोदय, माता कसमई, तो एक नया शब्द भी लिख रहा हूं मैं, कसमई द्विचक्रिका आनयति। कसमई कस्मय जो है कस्मय किम का ये एक रूप कस्मय है, किम की कस षष्ठी है। ये हम बाद में देखेंगे, अभी तक हमारे पास आया नहीं है, बट उपयोगी शब्द है। हाँ, तो माता कस्मय द्विचक्रिका आनयति, तो कस्मै मीन्स किसके लिए, क्योंकि वो षष्ठी है, तो किम का किसके लिए, फॉर होम, फॉर व्हाट, फॉर हाँ ये तो चतुर्थी विभक्ति होगी, तो हाँ किसके लिए, सॉरी ये चतुर्थी है। हाँ, एक मिनट, षष्ठी लिख दिया मैंने, चतुर्थी। षष्ठी में तो किसका हो जाता, और वो कस्य है, कस्मै नहीं, हाँ कस्य। तो ये सारी विभक्तियां धीरे धीरे हमको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। तो हर का एक उदाहरण याद होना चाहिए, जैसे अकारांत पुल्लिंग में राम या बालक कोई भी एक ले लिया, अभी जैसे हमने ये उदाहरण लिया। पुत्राय पुत्र पुत्राय माता हाँ, द्विचक्रिका आनयति। उत्तमम्। इदानीं प्रश्न पृच्छतु। मोहायै प्रश्न पृच्छतु, मतलब मोहा जी के लिए प्रश्न पूछिए आप। मोहायै प्रश्न और अभी हम पृच्छतु। आएंगे लता, जब देखेंगे तब आपको दिखेगा लता यही जो है उसकी चतुर्थी है लता की, इसलिए मैंने मोहा यही बोला। इनमें से कोई भी आप एक वाक्य का प्रश्न बना के पूछ सकते हैं, जो हमने दक्षिणावर्ती दिशा में लिखे हैं। हाँ, ये हमने किया था क्या पिछली बार? हाँ, मेरे ख्याल से दिशाएं की हैं हमने पहले, पर उसका अभ्यास नहीं किया है अभी, करेंगे, वो भी करेंगे। कुतः कुतः फलानि पतन्ति मोहा महोदय? Can you please repeat the question? कुतः फलानि पतन्ति? इधर मैं लिख देता हूं प्रश्न। अरे आपकी स्क्रीन कौन सी है आचार्य महोदय? हाँ, आपका स्क्रीन तो किधर? हाँ, दिख रहा है। कुतः ये दिख रहा फलानी, है बट नहीं, आप प्रश्न लिख रहे हैं? हाँ, आप कुतः फलानी पतंती, तो इससे हम थोड़े थोड़े नए
प्रश्नवाचक शब्द भी सीख रहे हैं, जो कि एक और अभ्यास है। कुतः मतलब कहां से, फ्रॉम वेयर। कुतः फलानि पतन्ति महामहोदया, इंडिया वांट्स टू नो। यू आर वांटिंग टू नो लाइक ऊपर से या वृक्ष? हाँ हाँ हाँ, तो उसका सही उपयोग कीजिए। वृक्षात फलानिं पतति, पतंती, हाँ चलेगा। वृक्षात या ठीक है, उत्तमम। वृक्षात, और हमने जो उदाहरण पिछली बार लिया था उसमें हमने वृक्षाभ्याम लिया था, और सब बराबर है क्योंकि एक पेड़ से भी बहुत सारे फल गिर सकते हैं, और दो पेड़ों से भी गिर सकते हैं, तीन पेड़ों से भी गिर सकते हैं। तो वृक्ष के लिए वो, तो वृक्षात बोले तो सारे वृक्ष, नहीं मैंने एक वचन कहा था, एक वचन। वृक्षात में एक ही पेड़ है ना, तो हाँ, एक ही पेड़। हाँ, वृक्षात द्विवचन, लेकिन वो सेम ही है, वृक्षात वृक्षात ही रहेगा। हाँ मतलब आप द्विवचन बोलिए चाहे बहुवचन बोलिए, वृक्षात या वृक्षाभ्याम या वृक्षेभ्य, तीनों में अर्थ वही रहेगा कि एक पेड़ से फल गिर रहे हैं या दो पेड़ से गिर रहे हैं या बहुत पेड़ों से गिर रहे हैं। चलिए अब मोहा जी प्रश्न पूछेंगी। एक सेकंड, आई एम जस्ट राइटिंग दिस डाउन। अच्छा अंग्रेजी में लिख रही हैं? नहीं, देवनागरी लिख रही हूं। संस्कृत भाषायां लिखसी वा? देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि संस्कृत भाषायां। आज 8 बजे रुकना है मुझे, आपको वैसे बता दिया है मैंने पहले ही। अस्तु महोदय, मैं भूल गया तो मुझे याद दिला दीजिएगा क्योंकि दूसरी कॉल में भी जाना है। सर्व सप्ताह 8 वादने अंतम करोसी करोतु वा न, आगामी त्रीणी सप्ताह। अस्तु महोदय। I'm not able to form a question. चिंता मास्तु महोदय, आप समय लीजिए। और प्रयास ये करना है कि जो विभक्ति वाला शब्द है उसका प्रश्न बने। तो यदि मैंने बोला कि माता पुत्राय किम मानयति, तो अब किम का उत्तर तो द्विचक्रिका है, लेकिन द्विचक्रिका तो एक संज्ञा है, तो उसमें हमने जो विभक्ति वाला है उसका उपयोग किया ही नहीं। पुत्राय तो पहले ही उपयोग कर लिया, जो पुत्र के लिए वाली विभक्ति।
बस वैसा प्रश्न देखिएगा, कोई भी बना लीजिए, ऊपर से नीचे इतने सारे सारी विभक्तियां हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया जो भी, किसी का भी चलेगा। पर जो विभक्ति वाला शब्द है उसके ऊपर प्रश्न हो, ताकि उत्तर में हम विभक्ति का उपयोग कर पाए। चलो समय लग रहा है तो मैं एक और प्रश्न करता हूँ। क्या हुआ? चित्र के हम चित्र शब्द चलेगा अगर मैं कोशिश करूँ? अरे कोशिश के लिए ही तो ये कक्षा है, आप आराम से कोशिश कीजिए। चित्र शब्द संस्कृत है ना? हाँ चित्रम है, बिल्कुल है। चलो चित्रम हम बहुत जगह उपयोग करते हैं ना। कह पठती मोहा महोदया संस्कृत पठामि। कह पठती मतलब कौन पढ़ रहा है? अहम पठति, पठामि। यदि आप अहम बोल रही हैं तो आप पठामि बोलेंगी, लेकिन अभी मैंने क्योंकि विभक्ति ये वाली विभक्ति हम क्योंकि अकारांत पुल्लिंग ले रहे हैं तो अभी ये पूरा प्रथम पुरुष में चल रहा है ना, ये सब कुछ प्रथम पुरुष में। जैसे रामः पठति, बालः पठति, बालौ पठतः, अम्बा पुत्राय द्विचक्रिका आनयति, तो ये सब कुछ प्रथम पुरुष में है, ये सारे के सारे वाक्य प्रथम पुरुष में है। ये समझा ना आपको? और खैर पूरे वाक्य प्रथम पुरुष में है ऐसा आवश्यक नहीं होता, जो शब्द हम उपयोग कर रहे हैं जैसे ये जो है क्रिया, एक मिनट मैंने क्रिया और कर्ता दोनों ही बदल जाते हैं पुरुष के हिसाब से, प्रथम पुरुष या मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष। अब यहाँ पे भी चलो अभी मैं समय नहीं व्यर्थ करता हूँ, मुझे एक मजेदार सा प्रश्न आ रहा है कि यहाँ पे पुरुष क्यों उपयोग करते हैं, प्रथम मई प्रथम स्त्री क्यों नहीं करते? हाँ तो भाई पर्सन है ना, तो पुरुष या स्त्री कुछ भी उपयोग हो सकता था, पर ठीक है ये तो पाणिनि ने जैसी व्याकरण बनाई है उसके हिसाब से प्रथम पुरुष इज अ, उसका एक रीजन मुझे शायद ये लग रहा है क्योंकि प्रकृति और पुरुष जो बोलते हैं संयोग के हिसाब से, प्रकृति इज द फीमेल पार्ट एंड पुरुष इज द मेल पार्ट, तो इसलिए व्याकरण में शायद पुरुष इज अ जनरल टर्म जो यूज किया गया है। क्यों? प्रकृति यदि स्त्री है और पुरुष यदि पुल्लिंग है तो भी तो प्रकृति या पुरुष दोनों में से कुछ भी उपयोग हो सकता था। नहीं, आई कुडंट एक्सप्लेन मायसेल्फ। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मतलब जैसे योग में लिया जाता है ना कि एक लिविंग बीइंग जो है उसे पुरुष के अच्छा वैसे बोल रही हो, हाँ हो सकता है मनुष्य, हम मनुष्य की जगह आप बोल रहे हैं ऐसा तो पुरुष, इसलिए जनरल सेंस में पुरुष ही लिया जाता होगा। तो आंग्ल भाषा में भी मैन मैन बोल के बहुत यूज होता है मैन, वो तो एक्चुअली वो मैन तो शायद मैन ही मतलब जेंडरिक रूप में ही उपयोग होता है कि बोलते मैन है बट वो एक्चुअली इट मींस एवरीथिंग एवरीबॉडी। इधर भी ऐसा ही है शायद।
संभवतः वही है। चलिए उसमें हम यदि किसी को और कुछ पता चलेगा तो बाद में बता सकते हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। नहीं उल्टा, हाँ उल्टा हो गया, ये तो संस्कृत में सी वो लोग लिए थे ना, तो दे आर आफ्टर। हाँ तो मैन तो वैसे भी मानव से ही बन गया है ना। हाँ मानव से बन गया। और वो मैन उनने कैसे बनाया है उसका थोड़ा रूट्स पता लगानी पड़ेगी। जिसको मैन वू करता है वो वू मैन, तो मे बी प्रॉबेबली बिकॉज उनके लिए ये चीजें बहुत महत्व रखती हैं फॉर द नॉन इंडियंस। हाँ फिजिकल अट्रैक्शन एंड ऑल। तो चलो ठीक है, अभी हम लेते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। विभक्तियों की थोड़ी सी हमने अभ्यास कर लिया है, और यदि आपने पिछली बार लिखा था तो उसको बाद में जब भी कभी समय मिले तो फिर से देख सकते हैं उस पृष्ठ को। आकारांत स्त्रीलिंग तो हम लेंगे लता, और इसी तरह से और भी बहुत हैं, रमा, कला, अरुणा मोहा। मोहा मोहा जी का नाम पहले रखना था। मैं ऊ डालू इसमें वो कैसे होगा? आकार, अभी आकारांत तो स्त्रीलिंग चल रहा है। इसलिए बोल रही हूँ उकारांत के लिए इंदु इंदु। अच्छा तो अब उकारांत में अभी समय है, अभी हम हाँ एक एक विभक्ति करने में कितना समय लग जाता है। हमको लग रहा, पहले लग रहा था कि जल्दी होता है पर समय लगता है। तो हम पहले लिखते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आपको आपको हाँ बोलिए नवीन महोदय। भवतः कक्षा भवान अस्मिता। भवान विभक्ति अभ्यासं कृतवन्तः कृतवतः अहं न कृतवन्तः इसीलिए समय लग रहा है। नहीं मुझे भी कभी कभी कोई कोई विभक्ति में देखना पड़ता है, या मतलब थोड़ी देर सोच के ध्यान करना पड़ता है कि अच्छा इसमें क्या था उसमें क्या था, कि कभी कभी होता है। और विशेषतः द्विवचन में थोड़ा अधिक होता है क्योंकि वो उपयोग में कम आता है ना द्विवचन, पर हाँ होता है कभी कभी ध्यान में लाने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो अब हम लेंगे लता। तो इसका प्रथमा तो बहुत ही सरल है और हमने पहले भी देखा है कहीं ना कहीं। लता, लते, लता। हाँ और द्वितीया भी सरल है, लताम, लते, लताह। ये दोनों ओ एक ही हैं। तो प्रथमा और सामा द्वितीया, सामा मास्ती हाँ समान है द्विवचन और बहुवचन दोनों। फिर लतया, लताभ्याम। और अब जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इस इनमें कुछ कुछ समानताएं पुल्लिंग के साथ भी हैं, तो वो भी मैं दिखाऊंगा कि क्या समानता है। लतया, लताभ्याम, लताभिः
और अब हम इधर पे रुकते हैं क्योंकि हमको सबके उदाहरण भी तो करने हैं, तो अभी हम सिर्फ लिखते जा रहे थे। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे लताभ्याम दिख रहा है तृतीया में। अब हम पीछे चलते हैं पुल्लिंग में, तो ये देखिए रामाभ्याम या बालाभ्याम। और एक और ध्यान रखने वाली चीज है कि द्वितीया का एक वचन सबसे आसान सबसे सरल है किसी भी शब्द का, तो और वो एक जैसा है मिलता जुलता है। तो आप जैसे रामम या बालम दिख रहा है, तो अब यहाँ पे जब हम लता में जाएंगे तो वहां पे भी लताम है, तो सिर्फ म लगा दिया तो वो चाहे अकारांत हो इकारांत हो उकर आकारांत हो सबके लिए म लगाने से काम हो जाता है। हाँ ये तो नपुंसक लिंग के भी ले भी वही है द्वितीय, वो तो नपुंसक लिंग तो अम तो रहेगा ही, म तो रहेगा ही। फलम पुस्तकम तो वो भी उसमें भी वही नियम लागू होता है। और ये जो लताभ्याम है ये तीनों में बराबर है, तृतीया चतुर्थी पंचमी, जैसे पुल्लिंग में था वो भी वहां पे भी वही था। तो उसी प्रकार स्त्रीलिंग में भी द्विवचन का एक ही है। और बहुवचन का भी मिलता जुलता है, थोड़ा सा अंतर है लताभ्यः लताभ्यः। तो अब यदि हम पुरुष पुल्लिंग में जाके देखते हैं तो यहाँ पे रामेभ्यः बालेभ्यः था, तो एक ही मात्रा लगती थी मूल शब्द में रामे और फिर भ्यः, तो यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगती, जैसा मूल शब्द है वो लता और भ्यः, तो लताभ्यः रमाभ्यः मोहाभ्यः। तो लताओं के लिए या मोहाओं के लिए बहुवचन है क्योंकि ये। और एक वचन में लता यही। लतायाह पंचमी में है और षष्ठी में भी लतायाह ही है। तो चलो अभी हमने काफी कर लिए हैं, पर इनके उदाहरण मुझे लगता है कि अगली बार करना पड़ेगा। अभी कितना समय बचा है, 3 मिनट हैं, तो एक उदाहरण कर लेते हैं, पहला प्रथमा का करते हैं। तो चलो मोहा जी प्रथमा का एक उदाहरण कोई भी दे दीजिए। महामोदिया महामोदिया की आवाज नहीं आ रही। अच्छा तो चलो तब तक नवीन जी दे देंगे उधर। अच्छा हाँ लता तो नहीं, लता के बाद क्या बोली आप नहीं सुनाया है। शेत मतलब वृक्ष, वृक्ष से लिपटी हुई है कि वृक्ष पर। ओ तो वृक्षे लता, लेकिन लिपटी के लिए अब आपको सोचना पड़ेगा। लिपटी के लिए आपने सोचा है क्या संस्कृत में? इसलिए तो पूछा। अरे तू इतने कठिन कठिन वाक्य पहले से ही क्यों सोच लेती हैं? हम वो शब्द उपयोग करते हैं, कोशिश करेंगे जो हम सीख चुके हैं। सरल 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 वाक्य वदन वदतु महोदय। हाँ जैसे लता सुंदरम अस्ति, सरल सुपर सरल। लता लघु अस्ति, लता दीर्घम अस्ति, इस तरह का कुछ भी जो हम जानते हैं, जो अभी तक सीख चुके हैं उनको लेते हैं अभी पहले। और यदि आपको पता है लिपटी के लिए तो अवश्य बताइए।
लता अलिंगन होता है, लता दीर्घम अस्ति, ठीक है, लता दीर्घम अस्ति, दीर्घम अस्ति। एक सेकंड रुक, या फिर ऊर्ध्व जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपरी, म्यूट अर्थात मूक मूकम, परंतु भवत्याः वाणी न शृणोमि, वाणी न आगच्छति। ऑडियो चेक, ऑडियो इज ओके, आपकी पहले तो आवाज आ रही थी, अभी क्या हुआ? भवत्याः वाणी कुत्र अस्ति, भवत्याः वाणी कुत्र अस्ति? मैंने गलती से एक्चुअली ये स्पीकर का बटन म्यूट कर दिया था, नॉट ओनली दिस द सिस्टम स्पीकर, एंड आई वाज वंडरिंग वेयर वर यू। हां इदानीं शृणोमि। जानामि जानामि। तो सर्वप्रथम ओम उच्चारण कुर्मः। परम पृष्ठम, हाँ, ओम उच्चारण प्रारंभ।
अस्तु। सेट अप प्रोफेशनल ऑडियो एंड ऑडियो सेटिंग्स, म्यूजिक किम किम भवति समथिंग ऑन योर स्क्रीन टॉप पे, सेट अप प्रोफेशनल ऑडियो एंड ऑडियो सेटिंग्स, प्रोफेशनल ऑडियो मम जीवनिका न पश्यसि अथवा पश्यसि? नहीं, आप बोलेंगे तो पश्यामि। नहीं, मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर सकता हूँ यदि आपको स्क्रीन। ठीक है, ठीक है। तो हम विभक्तियों पे थे, हमने अकारांत पुल्लिंग उस दिन पिछली बार कर लिया था और हम आकारांत स्त्रीलिंग पे थे। तो आकारांत स्त्रीलिंग में हमने कुछ विभक्तियां लिख ली थी, पंचमी तक लिख लिया था और उसके उदाहरण बचे हुए थे। तो पहले उदाहरण करेंगे और फिर हम पंचमी के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पहले तो हम जो जो विभक्ति है उसके साथ में ही उदाहरण करते जा रहे थे, पर इसमें हमने थोड़ा अलग किया। तो इसके पहले उदाहरण कर लेते हैं। तो आपने पिछली बार उदाहरण उसका एक देना शुरू किया था, लता वृक्ष से लिपटी हुई है, इस तरह का कुछ आप बोलना चाह रही थी। और हमने लिपटने का आलिंगन शब्द ध्यान में किया था, तो उसको उपयोग करके प्रयत्न कर सकती हैं कि लता वृक्षे आलिंगति। आलिंगति मतलब कर रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हाँ, अभी हो रहा है, जैसे पठती लिखती हम बोलते हैं वैसे ही आलिंगति। पर मैं एक मिनट वो जो शब्दकोश है उनको भी उठा लेता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। हाँ, आपने भी मंगा लिए थे ना ये वाले शब्दकोश? जी। तो इसमें ढूंढ के देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। एक सेकेंड, अब लाए हूँ तो एक बार निकाल के देखते हैं इसमें कुछ मिलता है क्या उसके लिए, लिपटने के लिए, कि लता पेड़ पे किस तरह से होती है उसका। यार अंत में होगा। लिपटना, आलिंगनम। हाँ तो वही है, आलिंगनति, लेकिन आलिंगनम ये तो नपुंसक लिंग है, आलिंगनम नपुंसक लिंग है। एक मिनट, हाँ ठीक है, जैसे लिखने को लेखनम है नपुंसक लिंग, लेकिन जब हम उसको क्रिया रूप में उपयोग करते हैं तो वो लिखती हो जाता है, आखिरी का जो वो नम है वो साथ में उपयोग नहीं होता,
वैसे ही जो मैंने सोचा था वही है, आलिंगनम यदि है तो वो नम का उपयोग नहीं होगा, आलिंगति, आलिंगामी, आलिंगसी, इस तरह से हम जिस भी प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष या जिस भी पुरुष में हम उपयोग कर रहे हैं उसके हिसाब से उसके अनुसार कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, आलिंगनम ही है उसका शब्द लिपटने का, वो शब्द तो खैर पिछली बार भी ध्यान में आ गया था पर उसके रूप कैसे चलेंगे, आलिंगति इस तरह से। तो चलिए यहाँ पे अभी लिख लेते हैं उसको, आपने विचार अच्छा किया तो उसको लिख भी लिया जाए जरा। लता वृक्षे, और इससे हमको एक स्क्रीन शेयर, नहीं स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या अब तो बीए वाला आ रहा है, एक सेकेंड, व्हाइट बोर्ड नहीं आ रहा। हाँ नहीं मुझे लगता था कि आना चाहिए पर अब देखो अभी आ रहा है क्या। नमो नमः नवीन महोदय। नमो नमः आचार्य महोदय। सुप्रभातम। सुप्रभातम। सुबह सायंकाल। चलो तो हमने अभी अभी शुरू किया है तो अच्छा है आप आ गए, तो हमने ओम का उच्चारण कर लिया है। तो ये आप जब भी रविवार की कक्षा हो तो आप आने के पहले यदि कर सकते हैं खुद से ही तो आप खुद ही कर लिया कीजिए, क्योंकि आपको आने में यदि 5-10 मिनट आगे होता है तो हम ओम का उच्चारण कर चुके हैं। हाँ ओम का उच्चारण मैं भी कर चुका हूँ। तमाम। तो अब हम लता जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है इसकी विभक्तियों पे आ गए हैं। तो लता वृक्षे आलिंगति। और ये जो ग है आलिंगति इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसी को लिखने का एक और तरीका है, ग हम आगे भी लिख सकते हैं। तो आलिंग ये भी चलेगा। पर अधिकतर शास्त्र सम्मत संस्कृत की पुस्तकों में अधिकतर ये वाला तरीका ज्यादा दिखता है। तो आलिंगनम का मतलब क्या है? लिपटना। लिपटना। हाँ। लता जिस तरह से पेड़ पे चढ़ती है ना तो सब तरफ से लिपट 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 के चढ़ती है डालों पे या पेड़ के तने के ऊपर। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट यू कॉल फॉर वाइंड्स, वाइंड्स अप और वाइंड्स डाउन द ट्री, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ। कोई भी बेल जो है क्रीपर्स वाइंड अप द ट्री और वाइंड डाउन द ट्री और जस्ट स्टिक टू द ट्री। तो आलिंगन के लिए शायद उतना क्लियर एक्सप्रेशन इंग्लिश में नहीं है शायद। इसका मतलब है अंग्रेजों को आलिंगन नहीं आता। I think the closest word would be the just hugging, creep, wrap, hug the tree, something like that. They wrap around the tree. Wrap around. Something. पर ठीक है, हमको अंग्रेजी में अभी जानने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम उसको किसी और को समझाना है तो हम समझा सकते हैं कि what do we mean. ठीक है, तो लता वृक्ष आलिंगति, इसी को यदि आप बहुवचन में बोल रहे हैं तो लताह वृक्षे आलिंगन्ति। तो ये जैसे पठती पठतः पठंती वाले जो रूप चलते हैं ना, वैसे ही आलिंगनम के आलिंगति आलिंगतः आलिंगन्ति ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं द्विवचन। तो द्विवचन का उदाहरण नवीन जी आप देना चाहेंगे, तब तक मैं यहाँ पे एक छोटा सा लता भी बना देता हूँ। पहले पेड़ बनाना पड़ेगा।
नवीन जी उदाहरण. हाँ हाँ सोच रहा हूँ मुझे. अच्छा चलिए, आप लाउड मतलब हमारे साथ भी सोच सकते हैं, ये कोई टेस्ट थोड़ी ना है कि आपको बिल्कुल हाँ हाँ सही पहली बार में बोलना है. जैसा चाहे बोलिए आप. ये थोड़ी थोड़ी लता जैसी लग रही है. हाँ परनम नहीं है ना खाली, ये हम है परनम इसके. थोड़े दूसरे रंग से बना देते हैं ताकि वो लता अलग से दिखेगी. लता को मैं थोड़ा डार्क भी कर दूंगा तो फिर वैसे भी दिख जाएगी. सांप जैसा देख रहा है मुझे, सर्प हाँ तो सर्प जैसे ही तो होती है, मतलब सर्प. लता को यदि आप सही में पेड़ पे देखेंगे कोई लंबी लता हो तो वैसे ही लिपटती है, हाँ वही है. इट्स ओके, यदि वो सांप जैसी दिख रही है तो इट इज करेक्ट, तो फिर अच्छा ही बना है मे बी होपफुली. हाँ लताम, तो आप लताम उपयोग कर सकते हैं. एक वचन पहले कुछ प्रयत्न कर लताम लीजिए. अहम लताम स्थापितवान. उत्तमम. अहम लताम लताम, स्थापितवान. तो स्थापितवान मतलब आप पहले लता पे बैठे हुए थे, मतलब आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं. यदि आप अभी बैठे हुए हैं तो हम लताम स्थापयामि, स्थापयामि. हाँ मैं भूतकाल में बोल दोनों रहा था. चलेगा. मतलब वो तो आपके उद्देश्य पे है कि आप क्या बोलना चाहते हैं. तो हाँ स्थापयामि स्लैश स्थापितवान, ये भूतकाल है. और भूतकाल का ना एक और बहुत ही सरल तरीका है जो मुझे, मैं कई कुछ समय से ढूंढ रहा था कि जैसे भविष्यकाल का एक बहुत आसान तरीका होता है कि कोई भी जो वर्तमान काल है उसमें इष्यति इष्यति इष इष्य बीच में लगा दो, वो जो अंत में ती या मी आता है तो हाँ अपने हाँ आप भविष्यकाल बन जाता है. हाँ पठिष्यति खाली आई थिंक कुछ विशेष रूपानी है मगर जनरली वही है. अधिकतर वही है. हाँ और इष्य भविष्य के लिए क्या होता है, एक इष्य एक छोटा सा प्रत्यय है जो लग के भविष्य बन जाता है भविष्यकाल, और कहीं कहीं स्य भी होता है. हाँ हाँ ठीक है, तो भूतकाल के लिए एक बहुत ही आसान तरीका अभी मुझे समझ में आया. पहले भी पढ़ा है पर इतना ध्यान में नहीं था. अभी पिछले हफ्ते मैं अपनी अध्ययन कर रहा था तब समझ में आया कि कोई भी आप वर्तमान काल का लिख दीजिए. जैसे आपको बोलना है कि मैं पढ़ रहा था तो आप बोलेंगे पठति और अंत में स्म लगा दीजिए, अलग वो पूरा शब्द अलग है, उसको जोड़ना नहीं है, अलग से लिखना है. तो मैं पढ़ रहा था, पठति स्म, वदति स्म, लिखते स्म, तो बस स्म लगा दिया तो ये भूतकाल हो गया. हाँ पढ़ रहा बहुत ही था. सरल है. हाँ स्मा. हाँ और वैसे भूतकाल के शब्द रूप जब हम देखेंगे आगे चल के तो हमको समझेगा कि भूतकाल में भी काफी कुछ याद रखने के लिए है. पर यदि उतना सारा याद नहीं रखना है, जैसे ये जो स्थापित वान वाला जो उपयोग है ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि वान जो है वो भूतकाल के सभी कालों को, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, वो सभी को कवर कर लेता है. तो उसी प्रकार ये स्म का उपयोग है. स्म यदि आपने बोला तो वो
पास्ट हो गया, अभी उसमें कौन सा पास्ट है वो उपयोग के अनुसार आप खुद ही निर्णय ले सकते हैं कि वो कंटिन्यूस है या पास्ट परफेक्ट है या जो भी है। तो बहुत ही सरल है ये भूतकाल में बताना। यदि आपको वर्तमान का पता है तो बस उसके आगे स्म लगा दीजिए। तो स्थापयामि स्म यदि बोला तो भी मैं लता पे बैठा हुआ था। मोहा महोदया लताम स्थापयति स्म, तो मोहा महोदया लता पे बैठी हुई थी। स्म हटा दिया तो बैठी हुई हैं, अभी भी बैठी हुई हैं, और स्म लगा दिया तो बैठी हुई थी। बढ़िया। इधर हमारे अभ्यास पुस्तक में वो है, स्मा है, हाँ मिला होगा। माता महा ध्यानम करोति स्मा। तो मतलब आपके नाना जी हाँ माता साइड के ग्रैंडफादर, तो हाँ नाना हाँ जी हाँ मम्मी के पिताजी हाँ वो ध्यान ध्यानम कर रहे करोति थे। स्मा। उत्तम। तो ऐसी चीजें आपको भी कभी भी पता चले तो आप भी कक्षा में लाके ध्यान में रख के बता सकते हैं। तो जैसे मुझे अभी पता चला, आपको कुछ आपको भी पता चल सकता है। मगर एक चीज इधर ध्यान में, एक विषय कि हिंदी जैसा ये तो नहीं बदलेगा क्योंकि लिंग भेद नहीं है ना इसमें स्म, हाँ स्म में कोई लिंग भेद नहीं है। मगर हिंदी में लिंग भेद है, था थी थे, राइट? नहीं उतना तो हम संस्कृत में वैसे भी नहीं करते ना। हमारा संस्कृत में लिंग भेद वैसे भी जो संज्ञा शब्द हैं या विशेषण शब्द हैं उनमें ही आता है, क्रिया में लिंग भेद नहीं होता। जैसे हाँ पठति, हाँ हाँ तो हाँ बालक भी पठति बालिका भी पठति, क्रिया हटती। में कोई लिंग भेद नहीं है। हाँ, वही इधर भी अप्लाई होगा। हाँ उत्तमम। तो अभी तो इसको यदि आप बहुवचन के लिए द्वितीया विभक्ति में उपयोग करना चाहते तो हम किस तरह का वाक्य बना सकते हैं? कौन सा बहुवचन? दिया का, इसको मैं इसी रंग में लिखता वो हूं। तत्वाक्यम। हाँ इसी वाक्य को यदि हम बहुवचन करना चाहें तो कैसे करेंगे? अहम क्योंकि आप बहुत सारी लताओं पे तो बैठ नहीं सकते खुद, तो आपको वाक्य में अहम की जगह कुछ और भी करना पड़ेगा। वयम वयम हाँ वयम लतायाम स्थापितवान, नो स्थापितवन्तः एक सेकेंड। स्थापितवन्तः। वयम इसका द्वितीया का बहुवचन क्या है? लता। अच्छा लेकिन आप तो, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रही है। आप तो सप्तमी का उपयोग कर रहे हैं। आप, मैं लता के ऊपर बैठा हूं तो पर और मैं तो सप्तमी है ना। अपन आगे पहुंच गए, वो तो लतायाम आएगा वहां पे। थोड़ा आगे हो गया। को अभी तो द्वितीया है लता को। बताओ को बहुवचन। हाँ मैं तो वही बोल रहा था ना, मैं उसके ऊपर नहीं बैठा। मुझे कंफ्यूज हो रहा था कि आप, मैं उसके ऊपर स्थापितवान बोले तो आई पुट इट इन द सॉइल। स्थापितवान मतलब रखना होता है। हाँ सही बात है। तो
तो बैठना नहीं होता। मैंने मतलब लता लगाई, आप ये करना चाह रहे थे हाँ, पहले मैं लगा वो कहना चाहता कि मैं लता भूमि में लगाया हूँ, बस एक्चुअली शुरुआत में कि आप शायद वो कहना चाह रहे हैं लता प्लांटिंग। प्लांटिंग। हाँ को लगाया। हाँ हम हाँ असल में जो हम सोच रहे थे हम वही सोचते रहे, स्थापित वन तो लगाना ही होता है, मतलब रखना या लगाना, रखना हाँ हम मैं तो वही बोल रहा था। तो मैं तो वो लताम उपविशति उपविशा उपविशामी टाइप उपविशामी। उपयोग हो हाँ रहा। हाँ देखिए अब कैसी चुटकुला बन गया यहाँ पे, कि आपने बोला कुछ, हमने समझा कुछ, हमने उस उदाहरण को इतनी देर भूत उसकी भूतकाल की भी बातें कर ली, और अभी ध्यान ध्यान में आया कि कोई बात नहीं। तो वयम लताः। तो अब जो है हम द्वितीया पे ही हैं, वयम लताः, तो लतायाम नहीं, क्योंकि आपने लतायाम बोला ना, इसलिए मुझे तब ध्यान में आया कि ये हम सप्तमी की बात क्यों कर रहे हैं, फिर इसलिए ये प्रश्न उठा अचानक से। तो अच्छा कि आपने सप्तमी अचानक से बोल दी, तो हमको स्थापित वन और स्थापयामी का ध्यान में आ गया। चलो तो वयम लताः मतलब हम सब लताओं के ऊपर, या लताओं को ऊपर नहीं, ये ऊपर नहीं है, लताओं को स्थाप क्या आएगा, वयम रक्षामः स्थापयामः। आपको आवाज आ रही है ना, हाँ 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 ये ध्यान में है ना, अहम वयम लताः स्थापयामः। स्थापयामः। हाँ इसके रूप आपको याद है ना, जैसे हम प्रथम पुरुष के लिए जब बोलते हैं, ये वाली तालिका हमने थोड़े दिन पहले ही की थी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है शायद। दिखा देता हूं मैं फिर से एक बार, फलों के पहले की थी। ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, यदि एक और में नहीं मिली तो हम वापस आ जाएंगे। चलो नहीं मिली, हाँ यहाँ पे है ना ये वाली। बहुवचन। हाँ तो जब हम प्रथम पुरुष उपयोग करते हैं तो वदति वदतः वदन्ति, या पठति पठतः पठन्ति, तो वैसे ही स्थापया स्थापयति स्थापयतः स्थापयन्ति, यदि वो लगाने के लिए रखने के लिए हम उसका उपयोग कर रहे हैं, अभी अभी जो क्रिया उपयोग कर रहे हैं, तो तीतः अन्ति, ये अंत में उस धातु के आएगा, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि आप द्विवचन कर रहे हैं कि बहुवचन कर रहे हैं। उसी प्रकार उत्तम पुरुष, जब मैं खुद के लिए कह रहा हूं तो अहम वदामि, वाया तो वदामि इसमें वदामि वदावह वदामः, वदामः। हाँ और वयम रक्षामः मैं इसलिए कई बार बोलता हूँ क्योंकि ये एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ भी है, तो उससे भी ध्यान में आ जाता है कि वयम रक्षामः जो है आचार्य चतुर्सेन की बहुत बढ़िया ग्रंथ है, बहुत बढ़िया कथा भी है, ग्रंथ भी है, उसको कई श्रेणियों में रखते हैं, तो उससे ध्यान में रहता है कि रक्षा मह, जब हम वयम का उपयोग करेंगे तो मह अंत में लग जाता है। तो इस तालिका, हाँ, पठामह स्थापयामह वदामह लिखामह। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे आ गए, तो वयम लताः स्थापयामः, हमने लता लताओं को लगा दिया,
रख दिया। अब देखिए लगाने के लिए थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक शब्द है, बिल्कुल जो उसी के लिए होता है, जो जैसे रोपना जिसको कहते हैं ना हम, तो अब रोपने के लिए संस्कृत में एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कि रोपना ही है या कुछ और है। इसके लिए बाद में मैं ढूंढ लूंगा, अभी समय नहीं लगाते हैं। आपको मिलेगा तो बोलिएगा। स्थापयामः भी चलेगा, रख रहे हैं आप लता को, रख रहे हैं तो ओके। चलिए तृतीया का उदाहरण मोहा महोदया। कोई भी वचन चलेगा, जो आपकी पसंद का वचन हो ले लीजिए। तो तृतीया मतलब के द्वारा। से या के द्वारा, जिसमें लता की मदद से आप यदि कुछ कर रहे हैं तो उस तरह का उपयोग होता है। दीवार को क्या कहते हैं? मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा एक्चुअली। मैं वॉल वॉल के लिए तो कोई सिंपल सा शब्द है, रेगुलर वर्ड है, कोई अलग से नहीं है। भित्ति। हाँ भित्ति। लताभ्याम भित्ति हरित वर्णम भवति। हाँ क्या भवति? यहाँ दर्शयति, दिखती है आप बोलना चाहती हैं। हाँ दिख रही है। पश पश्यति, कोई देख रहा है, या पश्यामी आप बोलेंगे तो मैं देख रही हूँ, लेकिन आप तो दीवार के लिए बोल रही हैं। तो दिखना और देखना दो अलग अलग क्रियाएं हैं। पश्य जो है वो देखना है। कुछ सरल कोशिश कर लीजिए। लताभ्याम शीले हरित वर्णम अस्ति। लताभ्याम शिले, शिला पर। हाँ तो लताओं के द्वारा या लताओं के कारण, स्त्रीलिंगी हुआ ना, शिला भी तो आकारण स्त्रीलिंगी हुआ। हाँ am I right? हाँ शिला खंड यदि आप कहेंगे तो वो अकारांत तो पुल्लिंग हो जाएगा वो। हाँ, और शिला तो अकेला बोलेंगे तो तो वो भी स्त्रीलिंग है। और आकारांत स्त्रीलिंग है। तो लतायाम लताभ्याम शिलायाम, आप इस तरह का कुछ बोलना चाहती हैं कि लताओं के द्वारा शिला के ऊपर हरितवर्णम अस्ति। शिला केवल इतना ही कि शिला लताभ्याम शिला उसको मैं इतना ही कह रही हूँ ना कि शिला हरे रंग की दिख रही है।
या हरि हरि लग हरि है। हाँ, हरित वर्णम अस्ति, लताभ्याम शिला हरित वर्णम अस्ति। अच्छा ठीक है, तो हम इसको बढ़िया से हरित वर्ण में ही लिख के देखते हैं। लताभ्याम, पर लताभ्याम मतलब द्विवचन, तो दो लताओं की आप बात कर रहे हैं ना। मुझे लगता है कि आप दो लताओं की बात नहीं करना चाहती, पर ठीक है चलेगा, लता भी ले लेते हैं, दो भी चलेगा, मतलब कोई भी चलेगा इस वाक्य में, लताभ्याम या लता भी सब चलेगा। लिख देता हूँ मैं, वो भी लिख देता हूँ, लताभ्याम या लता भी या लता लतया, तीनों में से कोई भी चलेगा इस वाक्य में, बाकी कुछ भी नहीं बदलेगा। तो लताभ्याम शिला हरित वर्णम अस्ति। तो इसका अर्थ ये है कि लता के कारण शीला लता के हरे रंग द्वारा, की दिखती है, लता के द्वारा या पत्थर, लता के कारण, लता की मदद से के कारण, के पत्थर है द्वारा। ना, हाँ शिला शिला। पत्थर है, तो पत्थर हरित वर्ण, हरी वाली पत्थर अस्ति शिला है। हरे वर्ण का दिख रहा है। मतलब आई एम सेइंग नवीन जी कि उसने कवर किया हुआ है तो वो हरे रंग की दिख रही है, ऐसे मैं कहना चाह रही हूँ। यू गॉट मी? फिर से बोलिए पुनः। लता ने शीला को कवर किया हुआ है ना, उसपे क्लाइम किया हुआ है, इसके लिए वो हरे रंग की दिख रही है, तो लता के कारण शीला पत्थर हरे रंग का दिख रहा है। ओके, ऐसा मुझे पता नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि के नहीं, द्वारा ये तो टेक्निकली करेक्ट सेंटेंस, आई नो दैट, इट्स अ नो ब्रेनर सेंटेंस बेसिकली। हाँ ठीक, आई जस्ट ट्राइड फॉर्मिंग समथिंग। हाँ चलेगा, हम कोई भी भाषा ऐसे ही सीखते हैं, कभी कभी हम थोड़ा सा सत्य के आसपास भी घूम के देख सकते हैं कि हाँ ऐसा चल सकता है कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं, तो हाँ चलेगा। मतलब टेक्निकली वो करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है, संभव है कि नहीं कि लताओं से शिला हरित वर्ण दिख सकती है कि नहीं, आवश्यक है या नहीं है, वो शायद आवश्यक नहीं है, पर ठीक है, लता के कारण या लता के द्वारा शिला जो है हरित वर्ण की दिख रही है, अब मोआ जी को दिख रही है तो अच्छी बात है। पर यहाँ पे अस्थि के अलावा भी कुछ और शब्द आ सकते हैं, जैसे दर्शयति की तरह का, जैसे हम दिखती है बोलना चाहते हैं, क्योंकि अस्थि जो है ना, मतलब एक फैक्ट जैसा हो जाता है कि शिला हरी है, लेकिन लता के कारण दिख रही है, तो इट अपियर्स, जैसे हम अपियर्स वाला जो उपयोग है ना वो करना चाहते हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि लता के कारण शिला हरी है, तो वो जो लग रहा है उसके लिए संस्कृत में क्या बोलते हैं, दर्शयति शायद चलेगा, दर्शयति एक्चुअली दिखाना होता है, तो वो भी यहाँ पे नहीं होगा, एक तो पश्य देखना होता है, जो खुद से कोई काम कर रहा है देख रहा है वो पश्य है, दर्शय है दिखाना, तो वो अपोजिट साइड है, तो एक मनुष्य देख रहा है दूसरा दिखा रहा है, तो वो दर्शय है। तीसरा है जो हम उपयोग करना चाहते हैं कि दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, अपियर्स, इट अपियर्स, तो हाँ आविर्भाव करके एक शब्द होता है संस्कृत में, वो अपियरेंस के लिए उपयोग होता है, तो शायद उसको यहाँ उपयोग कर सकते हैं, आविर्भवती इस तरह का कुछ, हाँ देखना पड़ेगा उसको,
चेक कर देखना पड़ेगा कि वहाँ यहाँ पे उपयोग हो सकता है क्या। आविर्भवती थोड़ा और सरल कोशिश कर सकते हैं, जैसे मैं एक वाक्य प्रयास करता हूँ। लता लतया, मैं एक वचन में ही लेता हूँ एक बार। लतया अहम् वृक्षे आरोहामी। हाँ तो आरोह मतलब चढ़ना और अवरोह मतलब उतरना। तो मैं लता के द्वारा वृक्ष पे चढ़ रहा हूँ, तो उसको उसकी मदद से या उसको पकड़ पकड़ के आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लाइंब। तो ऐसा भी बोल सकते हैं ना, लता या अहम पश्यामि। लता के द्वारा मैं देख रहा हूँ, तो लतया अहम पश्यामि का अर्थ क्या निकालेंगे हम? लता के द्वारा मैं देख रहा हूँ, तो आप लता के द्वारा कैसे देख सकते हैं? हाँ नहीं, नहीं लता के द्वारा तो नहीं देख सकता। मैं बोलना चाहता था कि हाँ ये तो मैंने डायरेक्ट सीइंग थ्रू बोल के ऐसा कन्वर्ट कर दिया, अंग्रेजी को संस्कृत में कन्वर्ट कर दिया। सीइंग थ्रू, थ्रू हाँ के लिए शायद कोई और शब्द होना चाहिए संस्कृत में। कि लता के अंदर से या लता के बीच में से, तो लता मध्य उस तरह का कुछ उपयोग होगा वो। हाँ। लता मध्य पश्यामी उस तरह का कुछ। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो तृतीया का हमने थोड़ा सा उदाहरण कर लिए हैं, अब चतुर्थी। लता यही, लता लता यही, लता के लिए। हाँ फॉर अहम लता यही पुष्पम आनयति आनयामि। ये मैं लता बोले तो ये लता नहीं है, कोई नाम पर्सन नाम है। हाँ हाँ चलेगा। तो मोहा जी के लिए ले आइए ना पुष्पम। बिल्कुल शरणोमि शरणाम। मोहा यही। हाँ आपकी बैटरी खत्म हो गई थी, तो आपको तो खाना खाना पड़ेगा। लैपटॉप की। अच्छा तो आप अभी लैपटॉप पे हैं? हाँ। ओके। मैंने वो उदाहरण मिस कर दिया, मुझे नहीं पता चला कौन सा, पहले वाला या ये नया वाला? नहीं पहले वाला वृक्ष आरोह में। हाँ तो लतया मतलब एक लता के द्वारा मैं वृक्ष पर चढ़ रहा हूँ। आरोहण मतलब चढ़ना, अवरोहण मतलब उतरना। ये मुझे पता है क्योंकि संगीत में हाँ उसमें भी आरोहण अवरोहण यूज होता है, आरोहण अवरोहण होते हैं, तो इसीलिए पता है। सारे गम पद नीचा, तो वो आरोहण है, और नीचा जो नीचे आते हैं, नी द प म ग, सा नी द प सा नी द प म ग, वो अवरोहण।
तो अब यहाँ पे ये भी ध्यान देने की चीज है कि पुष्पम में म हमने अलग से लिखा है क्योंकि अगला आनयामी स्वर है। मुआ जी ये वाला आपको समझ गया? अहम लताए पुष्पम आनयन। तो ये नवीन जी जो हैं आपके लिए और लता के लिए फूल लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो अगला उदाहरण आपको देना है षष्ठी, नहीं पंचमी, पंचमी। पंचमी ना, हाँ लता पंचमी, या पंचमी। पंचमी लता से ना। लता से अलग होने वाला क्रिया है ये, जब अलग होती है कोई चीज तो लता से ही कुछ अलग हो रहा है, उस तरह का है। वानरः लतायाः पतति। वानरः लतायाः पतति। और ये विभक्तियों का ना आपको शायद कभी ना कभी अलग से भी अभ्यास करना पड़ेगा, मुझे भी कई बार करना पड़ता है क्योंकि इतनी सारी अलग अलग हैं और हाँ अकारांत की अलग हैं, आकारांत की अलग हैं, इकारांत की हाँ अलग हैं, हम आगे वो भी सीखेंगे। तो विभक्तियों का थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना बीच बीच में कभी कभी देख लिया फिर से एक बार उसको तो अच्छा होता है। हाँ वानरह लताया पतति। हाँ तो पतति असल में सबसे अधिक उपयोग होता है पंचमी के साथ, हाँ काफी सारे उदाहरण में हम पतति ही देखते हैं, फलम हाँ पतति, पर्णम पतति, सब कुछ पतति ही है। हाँ तो इसी प्रकार वर्षा, मेघात पतति। तो अब मेघात तो खैर अकारांत तो है तो उसको यहाँ उपयोग उदाहरण में तो हम नहीं कर सकते, पर वो अकारांत का उदाहरण है। मोहा जी आप कोई उदाहरण बोलना चाहेंगी इसमें पंचमी में? बंदर तो गिर गए लता से नीचे। मोमेंट एक। और वानर जो है ना, ये हमने कभी बात की थी क्या इस बारे में? वानर जो है नर से ही बना है और बहुत एक छोटा सा श्लोक है या एक उक्ति है किसी ग्रंथ में, वो देख किसी महाकाव्य में, कि ये नराहा वने चरंती ते वानराहा। तो जो नर वन में घूमते हैं वो वानर हैं। तो असल में जो ऐसे हनुमान अच्छा, जी सुग्रीव ये वन वन शब्द उसको मतलब। हाँ ये वन से निकला है, तो वनों में जो नर घूमते हैं जो रहते हैं, और ये मैंने कहीं और भी पढ़ा, ये रामायण में भी इसका उल्लेख है कि जो सुग्रीव हैं, हनुमान जी हैं, और भी जो पूरी किष्किंधा नगरी थी जो अपने हम्पी विजयनगर साम्राज्य का जो अब पार्ट है हम्पी वाला एरिया, तो वो सब भी नर ही थे, मतलब मनुष्य ही थे, ऐसे कोई बंदर थे वैसा नहीं, सिर्फ हाँ जो लोग जंगल में रहते हैं उनको वानर कहते थे उस समय, मतलब रामायण के अनुसार वानर मतलब जंगल में रहने वाले मनुष्य, वनों में रहने हाँ वाले मनुष्य। वानर मुख पे क्यों दिखाया गया है? वानर मुख